नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पधार रहे हैं सिरसा में। सिरसा में जाने वाले कुछ लोगों से जानेंगे डेरे के बारे में, बाबा राम रहीम के बारे में, इनके क्या विचार हैं। हाँ जी, आपका नाम? पूजा। आप कहाँ से आए हैं? कोटकपुरा से। आप कितने लंबे समय से यहाँ पे आ रहे हैं? पिछले 15-20 सालों से शायद। आप 15-20 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपने यहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ गलत होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया कि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं रहती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यहाँ पर सब लड़कियाँ सेफ हैं, कभी मैंने तो कभी कुछ गलत होते नहीं देखा। आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, इसका रीज़न क्या है यहाँ पे? हमारी अंदरूनी भावनाएँ हैं कुछ ऐसी, हम कब से इस दरबार से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आके लगता है हमें जैसे ये हमारा असली घर है। आपके गुरु जी आपको यहाँ पे क्या प्रेरणा देते हैं? यही कि सच बोलो और दूसरों की हेल्प करो जितना हो सकता है। लोग आज कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे मानवता भलाई के कार्य बहुत धूमधाम से चलते थे, लेकिन आज कम से कम खत्म हो चुके हैं यहाँ पे मानवता भलाई के कार्य, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मानवता भलाई के कार्य पिताजी ने जैसे शुरू करा था, अभी फिर भी संगत कर रही है। अभी जो अमृतसर में जो कार्य हुआ है, अभी जो हुआ है हादसा, ट्रेन हादसा, तब भी अपने प्रेमी जा रहे हैं वहाँ खून देने के लिए, फिर भी पिताजी के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पिताजी के साथ इतना कुछ हुआ, हम मतलब कुछ ना करें ऐसा कि क्योंकि हमारे साथ इतना कुछ हो चुका है, हमारे पिताजी के साथ इतना कुछ हो चुका है, पर फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा। पर फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, अपनी तरफ से की जो सेवा हमें हमारे पिताजी ने सौंपी है हमें वो करनी चाहिए। मतलब कि आज भी, मतलब कि डेरा के श्रद्धालु जो हैं आज भी डेरे, मतलब कि गुरु जी के आदेश पर चल रहे हैं वैसे के वैसे। आ गया तो यहाँ पे वेश्या लड़कियों को लेके आया गया है, तो ये आप बताएं कि वेश्या लड़कियों के लिए यहाँ पे गुरु जी क्या करते थे उनके साथ? वेश्या लड़कियों के लिए घर बना के देना, जैसे पहले तो ये, और दूसरा अपनी बेटी बनाया तो उनको अपना माना और इतना सत्कार दिया यहाँ पे। कुछ मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं देखा दरबार में, जब भी आ रही हूँ बिल्कुल साफ सुथरा दरबार है यहाँ, कुछ ऐसा नहीं देखा मैंने कि जो कभी गलत हुआ हो। थी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जिन्होंने बताया डेरे के बारे में और डेरे की सच्चाई, और हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे द फैक्ट टाइम। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।